यार बड़ा एक्साइटमेंट, लेकिन जंगल है ना, तो जंगल में ना देखो एक बात तो सच है, डर तो रहता ही है। आप कितना भी बोलो कि मेरे को डर नहीं लगता, ये नहीं लगता, डर रहता है। ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, ऑल द टाइम अलर्ट। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम पानी के पास पहुँचते हैं ना, पानी के पास और भी चीज़ें होती। सुबह हमने एक बाघ आया, मतलब वो हमारे से लगभग 100 मीटर दूर होगा, हमारे साइड नहीं था, वो जा रहा था। तो एकदम से जाकिर की नज़र पड़ी, क्योंकि हम क्रिस क्रॉस में बैठते हैं दोनों, जाकिर की नज़र पड़ी कुछ है। जैसे हमने उड़ के देखा, एकदम उठ के तो देखा कि वो उधर की साइड और हमारे से ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा था। तो फटाफट कैमरा उठाया मैंने, शूट किया, थोड़ा सा आया है वो, वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा आपको। लेकिन हम लोगों ने बड़ा मज़े से देखा उसको, वो भागा जा रहा उधर को। सुन रहे मुझे, इतनी तकड़ी नींद आ रही है ना, फिर मैं एक बार लेट गया ना, तो भाई अभी ना खाना वाना सब हो गया है, और मैं सोच रहा तंबू में जाके सो जाता हूँ। तंबू में यार बड़ी सफोकेशन है, इतनी गर्मी लग रही, मेरे को पसीने आने लगे, स्वेटिंग होने लगा, तो मैं बाहर आके फिर से बैठ गया। मैं कहा थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ, बाहर का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है। एक चीज़ है, डर ये सब चीज़ें होती है, हर एक इंसान को होती है, मेरे को भी फील हो रहा है बीच बीच में। लेकिन एक कॉन्फिडेंस है ना जो अपना, नहीं यार आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, उस बेसिस पे मैं टिका हुआ हूँ। और अब मुझे क्या है ना, धीरे धीरे रिलैक्स फील हो रहा है। अब मेरे को इस वातावरण से, इस जंगल से ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं यहीं रहता था। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, हार्डली शाम आया था मैं 4-5 बजे, उसके बाद आने के बाद से मेरे को ऐसा फील लग रहा है जैसे यही मेरा घर है। डिपेंड करता है आप अपना घर कहाँ बनाते हो, तो मैंने आज अपना घर यहाँ बनाया और मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। और अब मैं लास्ट ये शॉट ले रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा कैंप में जाता हूँ, जो मेरे लिए सेफ्टी है। ऐसे ओपन में बैठना मेरे को ठीक नहीं लगेगा, तो मैं अभी वापस कैंप पे जाता हूँ। रात को अगर आँख खुलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ से आऊँगा फिर से। बाय, गुड नाइट। लेकिन अगर आप एक्चुअल में दिल्ली से ट्रैवल करके उत्तराखंड के जंगल में जा रहे हो और सोलो कैंपिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई। हमने रिस्क लिया तो है, लेकिन ये रिस्क लिया है, मज़ा आ रहा है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। बट एक रात होती है जो बहुत लंबी रात होती है, और ये रात काटनी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। तो आप इससे तो मिले ही होंगे, मेरा दोस्त है जाकिर। तो मैंने जब कैंपिंग की, पहले मेरा सोलो का प्लान था, तो मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे को सजेस्ट करा, यार अब्दुल तू जा तो रहा है, हम तेरे को खोना नहीं चाहते। मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को नहीं खोना है मैं चलो देखता हूँ। मेरे को और 2-3 फ्रेंड्स ने मेरे को रिकमेंड किया कि तू जा तो रहा है, तो एक काम करना ना, किसी को साथ लेके जाना। तो मेरे जो अच्छा दोस्त है मेरा, और जो इन सब चीज़ों में माहिर है, जैसे आग लगाना, उसको एक्सपीरियंस है मेरे से ज़्यादा, तो जाकिर है, तो मैं जाकिर को इसलिए अपने साथ लेके आया हूँ। बट मेरा जो ड्रीम है ना, डेंस जंगल में जाकर सोलो कैंपिंग करना, वो मैं ज़रूर करूँगा। और यहाँ मेरे को लग रहा है बारिश का मौसम हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं बारिश से पहले पहले अपने तंबू में घुस जाएँ। बारिश जो होगी देखी जाएगी, अब जो आएगा सांप वाप आएगा देखा जाएगा, अब सो जाते हैं जो होगा रात में देखा जाएगा। लेकिन ये पतला सा कपड़ा बहुत खतरनाक है, अगर कुछ आया तो भागने भी नहीं देगा ये कपड़ा। इसलिए मेरे को तो भैया, मेरे को अगर हाथ में कुछ होता है ना, मेरा पर्सनल क्या है, वैसे तो मैं इतना बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में आप कुछ दे दो ना तो मेरा डर निकल जाता है। मेरे हाथ में कोई चीज़ होनी चाहिए, फिर जो होगा देखिए। अभी क्या है हाथ में, मतलब मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहता, बहुत से लोग देख रहे होंगे, नहीं ये हार्म करने के लिए नहीं है, बेसिकली ये लकड़ी छोटी मोटी काटने के लिए, सब चीज़ों के लिए। अब मेरे को ये सब पसंद धार भी नहीं, लकड़ी भी नहीं, धार भी नहीं है। बट इससे क्या है ना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब अगर किसी चीज़ को मुझे भगाना है ना, वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के भाग जाएगा, कि जब मैं डरूंगा नहीं, अगर ये मेरे हाथ में नहीं है तो मैं डरूंगा, अगर मेरे हाथ में ना मैं डर नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। और मेरे हाथ में है ये क्या करेगा यार तू इससे, बच्चा बहुत है ये, तेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़। और हम इसीलिए आए, मैं अकेले इसलिए नहीं आया हूँ, 100% है, भालू और बाघ है, और कुछ नहीं है, दो ही चीज़ें हैं।
फॉक्स वॉक्स तो जनरली रहती है उनसे, तो कुछ ऐसा मतलब जानी, ये तो वो हिसाब हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बता के लाया हूँ, झूठ बोल के थोड़ी लाया हूँ, तेरे को बताया। नहीं तो मरने का तो हम भी शौक रखते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि अभी, लेकिन यार ऐसी जगह बैठ के नहीं बात करेंगे ना, मरने बुराने की। यार जिएंगे यार, मेरे को राधिका का मैसेज आया अभी मेरी फ्रेंड HR का, अब्दुल तेरे को जिंदा वापस मांगते अपन लोग, मैंने उसके ऐसी फोटो भेज दिया था, कह रही अपन तेरे को जिंदा वापस ऑफिस में मांगते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा, टेंशन ना लो, आएंगे इंशाल्लाह जरूर। एक एक करके सामान दे दे जाकिर, नहीं खुलते तो सुबह ही खुलेगी, सुबह तक तो ये रात में सिटी आवाज़ छोड़ दे। बॉस का मैसेज आ रहा है, मैंने बॉस सिटी के कहाँ फिर रहा, धक्के का था। रात में ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, हुआ भी होगा तो मैं इतना थका हुआ था, सो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। अब उठा हुआ है, एक दो बार तो मुझे लगा कोई बर्तन पड़े हैं बाहर, कोई चीज़ उसमें घुस रही है। अगर होने दो, जो होगा होने दो यार, सोते हैं आराम से, मज़े में सो रहा था यार। क्या ज़बरदस्त सनराइज दिखाते हैं, इधर इधर आ गया मैं ऐसे करके, ये देखो वाह।